नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर सीबीआई का तीसरी बार छापा। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया घर के सामने सीबीआई कार्रवाई का विरोध। लखीमपुर हादसे पर महाराष्ट्र बंद के ऐलान को मिलजुला समर्थन। महाविकास आघाड़ी ने रास्ता रोक कर किया घटना का निषेध। और भंडारा जिले में भी दिखा बंद का असर। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को सुबह पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित निवास स्थान पर सीबीआई ने छापामार कार्रवाई की। सीबीआई द्वारा विधायक अनिल देशमुख के घर पर यह तीसरी कार्रवाई है, ऐसी जानकारी अनिल देशमुख के निजी सचिव ने दी। इस खबर से नागपुर शहर समेत राज्य में खलबली मची है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 8 बजे से नागपुर सीबीआई की टीम सिविल लाइन स्थित विधायक अनिल देशमुख के निवास स्थान पर पहुंची। अनिल देशमुख एवं उनके परिवार के सदस्य पिछले एक महीने से घर पर नहीं हैं। अनिल देशमुख के निवास स्थान से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम अनिल देशमुख के परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। ऐसा कहा जा रहा है कि लुकआउट नोटिस के बाद सर्च की कार्रवाई एक कार्रवाई का तरीका है, उसी के तहत यह टीम पहुंची थी। इस कार्रवाई से पहले सीबीआई की एवं ईडी की टीम के कार्यालय एवं निवास स्थान पर कई बार कार्रवाई को अंजाम दे चुकी है। इस खबर से नागपुर समेत महाराष्ट्र राज्य में फिर एक बार खलबली मची है। करोड़ों रुपए के वसूली के मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कहीं कम होती नजर नहीं आ रही। सबसे खास बात है कि सीबीआई की टीम ने सोमवार सुबह 8 बजे जो है उनके नागपुर स्थित निवास स्थान पर जो है वो छापा मारा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि सीबीआई की जो है ये तीसरी बार जो है ये रेड है। और ऐसी जानकारी है कि पिछले एक महीने से भी ज़्यादा समय से जो है यहाँ पर अनिल देशमुख के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। ईडी और सीबीआई जो है जब भी जांच करती है तो ऐसी कार्रवाई जो है वो कई बार की जाती है। और सबसे खास बात है कि दिन ब दिन अनिल देशमुख की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नज़र नहीं आती, वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते हुए जा रही है। लेकिन ऐसे में ये तीसरी बार सीबीआई का यहाँ पर आना और सीबीआई का यहाँ पर छापा मारना, शायद कुछ दस्तावेज खोजने के लिए या फिर कुछ चीज़ें जो छूट गई हो पिछली जांच में उसे ढूंढने के लिए जो है वो शायद यहाँ पर सीबीआई की टीम आई है, ऐसा कहना होगा। साथ ही एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता जो है वो उनके समर्थन में जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो भी कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि उनकी ये मांग है कि ये जो मांग है कि कुछ कारणोंवश या फिर व्यक्तिगत राजकीय कारणोंवश जो है जानबूझकर जो है अनिल देशमुख को परेशान करने के लिए जो है इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इसीलिए एनसीपी कार्यकर्ता जो है वो अनिल देशमुख के समर्थन के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। वैसे आगे सीबीआई की टीम और ईडीआई की टीम इस रेड के बाद यानी कि इस जांच के बाद आगे क्या करती है ये तो देखने वाला होगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें जो है वो भी बढ़ रही है। कैमरामैन रोशन के साथ मैं अमोल शिंदे, वीकेबी न्यूज के लिए। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित घर से कार्रवाई कर बाहर निकल रही सीबीआई टीम के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इस दौरान सीबीआई टीम कुछ जरूरी सामान जब्त कर अपने साथ ले गई। हम तुम्हारे साथ हैं, केंद्रीय सरकारी अनिल बाबू तुम संघर्ष करो। सोमवार को राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर वाले बंगले पर सीबीआई ने तीसरी बार छापेमार कार्रवाई की। सुबह 8 बजे से ही सीबीआई के अधिकारियों की तहकीकात जारी थी। वही कार्रवाई पूरी होने पर वे बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध में जमकर नारेबाजी की, तो वही अपने प्रिय नेता अनिल देशमुख कर समर्थन में नारे लगाए। राज्यभर त्या ठिकाणी ईडी सीबीआय आणखी दुसऱ्या ज्या संस्था आहेत त्या इन्कम टॅक्स सगळ्या संस्था हे वापरून महाविकास आघाडी सरकारला खिळखिळ करणे, महाविकास आघाडी सरकार त्या ठिकाणी
म्हणजे बरखास्त करण्याचा विचार दिसते किंवा कुठे ना कुठे एखादा लचका तोडून आपल्यामध्ये जोडून सरकार स्थापन करण्याचा हा भारतीय जनता पार्टीचा प्रयत्न आहे. त्याच्याशिवाय काही नाही, काही निष्पन्न होणार नाही. आता ते अटक करतात काय करतात तो विषय त्यांचा आहे, परंतु हा जो एकंदरीत प्रयत्न पूर्ण राज्यभर नाही देशभर त्या ठिकाणी सुरू आहे, तर निश्चितच त्या हा एवढंच म्हणायचं आहे आम्हाला की आता सर्व प्रयत्न संपले, आता महाविकास आघाडीला नेस्तनाभूत करण्याचं काम त्या ठिकाणी सुरू आहे, त्याच्याशिवाय दुसरं काहीच दिसत नाही. पण उद्या येणारा काळ जनतेला हे समजलेलं आहे की हे जाणून बुजून हेतुपुरस्सर नियोजित पद्धतीने त्या ठिकाणी करण्यात येत आहे, ते कुठेतरी थांबलं पाहिजे आणि जनता थांबवेल. लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई हिंसा का विरोध संपूर्ण देश में किया जा रहा है. वहीं नागपुर में भी इस घटना का निषेध करते हुए महाविकास आघाड़ी द्वारा आंदोलन किया गया. इस दौरान किसानों को न्याय देने की मांग की गई. बीजेपी मोदी तेरी हाय हाय नहीं चलेगी. उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में किसानों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना का संपूर्ण देश में निषेध किया जा रहा है. विभिन्न पार्टियों के साथ किसान भी न्याय के लिए सड़क पर उतर आए हैं. वहीं नागपुर के वैरायटी चौक में भी महाविकास आघाड़ी द्वारा आंदोलन किया गया. चौक में रास्ता रोको आंदोलन का महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही हिंसा का निषेध करते हुए मृत किसानों के परिवार को जल्द से जल्द आर्थिक मुआवजा और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है. इस आंदोलन में तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे. ज्या प्रकारे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि शेतकऱ्यांना चिरडण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकार आणि महाविकास आघाडी हे सगळे त्यांच्या विरोधामध्ये आज संप पुकारलेला आहे आणि महाराष्ट्र बंदचं आवाहन केलेलं आहे. त्या स्वयंपूर्तीने सगळे दुकानदार, व्यापारी सगळे लोक आमच्यासोबत आहेत आणि बंद पुकारलेले. किसानों की संवेदना में लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जिस प्रकार से अत्याचार किया है किसानों पर, गाड़ियों से कुचलकर जो किसानों की हत्या हुई है, इसकी संवेदना में भारत का प्रत्येक नागरिक तैयार है. कुछ भाजपा के दलाल, कुछ भाजपा सरकार के दलाल अगर ये दिखाना चाहे कि जनता के हित में व्यापारी नहीं हैं तो वो उनकी गलत फहमी है. और ऐसे लोगों को शिवसेना तमाचों से जवाब देगी. और मेरा ये कहना है कि किसानों के सम्मान में शिवसेना आंदोलन कर रही है, शिवसेना बंद करा रही है. महाविकास आघाड़ी द्वारा जो बंद पुकारा गया है उसको सफलतापूर्वक जनता की हमी से और व्यापारी जनता से अलग नहीं होता. लखीमपुर हिंसा के विरोध में सोमवार को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया था. वहीं भंडारा में भी बंद का मिला जुला प्रतिसाद मिला. महाविकास आघाड़ी द्वारा शहर में मोटरसाइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में केंद्र सरकार के मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर से गाड़ी ले जाकर उनकी बेरहमी से हत्या की. इसी घटना के विरोध में सोमवार को महाविकास आघाड़ी सरकार ने बंद का ऐलान किया था. इसी बंद का भंडारा शहर में मिला जुला असर दिखा. सुबह कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाकप साथ ही अन्य संगठनों ने मिलकर शहर में मोटरसाइकिल रैली निकालकर भंडारा बंद करने का आह्वान किया था, लेकिन व्यापारियों ने दोपहर तक दुकानें बंद रखी. वही दोपहर के बाद अधिकांश दुकानें खोली गई. आंदोलनकर्ताओं ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है. किसानों की हत्या की मोदी सरकार, किसान विरोधी काले कानून वापस लो, महाराष्ट्र बंद सफल हुआ, भंडारा बंद सफल हुआ, किसान सरकार के एक मंत्री के बेटे ने किसानों के हक में आंदोलन कर रहे किसानों पर गाड़ी चलाकर उनके हत्या कर दी. उस हत्या के निषेध में आज जो महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का जो निर्णय लिया था उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना सहयोग दिया, सहकार्य दिया, सक्रिय सहभाग रहा, हम निषेध करते हैं. और उत्तर प्रदेश की सरकार तथा उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय शर्मा को निष्कासित करने की हम मांग करते हैं. पिछले 10.5 महीने से दिल्ली में जो किसान विरोधी कायदों को रद्द करने की मांग को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं,
उसके समर्थन में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन कर रहे थे। ये शांतिपूर्ण लोकशाही तरीके से जो आंदोलन हो रहा था उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए मोदी सरकार के मंत्री के बेटे ने उस भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा किए गए बंद को असफल बताया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नागपुर में पुलिस ने ही जबरदस्ती दुकानें बंद कराई। लखीमपुर घटना के विरोध में सोमवार को महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा बंद का ऐलान किया गया था। इस महाराष्ट्र बंद आंदोलन के असफल होने की बात भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कही। उन्होंने कहा कि नागपुर शहर में महाविकास आघाड़ी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ जबरन दुकानें बंद करवाई। बावनकुले का कहना है, महाविकास आघाड़ी सरकार ने विदर्भ और मराठवाड़ा में हुए नुकसानग्रस्त इलाकों का जायजा कर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। सबसे पहले राज्य सरकार ने किसानों की यह परेशानी समझनी चाहिए। लोगों को राज्य सरकार के गलत इरादों के बारे में पता है, इसीलिए बंद का असर काफी कम दिखाई दिया। महाराष्ट्राच्या जनतेला व्यापाराला गृहित धरून आणि एका ठिकाणी आंदोलन झालं, बंद करायची भूमिका झाली, 5-7 लोक होते त्या ठिकाणी। पण तात्पर्य हे आहे की यांचा फज्जा उडाला, विदर्भात फज्जा उडाला, विदर्भाच्या मराठवाड्याच्या जनतेने बंदला साथ दिली नाही आणि कोणत्याही तालुक्यामध्ये कोणतेही दुकानं बंद नाही आहे, नागपूरमध्येही नाही आहे आणि विदर्भातल्या मराठवाड्याचा जर रिपोर्ट घेतला हा बंद पूर्णपणे फसला आहे। कारण त्यांना जनतेला माहीत झाला की हा ढोंगीपण आहे आणि त्यामुळे यांचा बंद फसलेला आहे। जनतेने आता या सरकारला प्रतिसाद न देणे म्हणजे या सरकारचा ढोंगीपण जनतेच्या लक्षात आलेला आहे। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर मनपा के एनडीएस टीम ने शहर के सर्वधर्मीय धार्मिक स्थल कमेटी को कोविड नियमावली बताई। मिशन कवच कुंडल के तहत मनपा का वैक्सीन अभियान जारी है। नागपुर मनपा द्वारा मिशन कवच कुंडल अंतर्गत शहर के नागरिकों को वैक्सीन लेने संबंध में जन जागृति की जा रही है। सार्वजनिक जगह और धार्मिक जगह दो डोज लेने वालों को ही प्रवेश देने का मनपा आयुक्त का आदेश है। इसी पार्श्वभूमि पर रविवार को मनपा के उपद्रव शोध पथक द्वारा शहर के विविध मंदिर में जाकर मंदिर व्यवस्थापन कमेटी को कोविड नियमों की जानकारी दी, साथ ही मनपा आयुक्त के आदेश के बारे में समझाया। 10 जोन के उपद्रव शोध पथक ने संबंधित जोन के बड़े मंदिरों में जाकर कोविड नियमावली की जानकारी दी। उन्होंने दीक्षा भूमि, श्री साई बाबा सेवा मंडल, श्री वर्धमान नगर जैन श्वेतांबर संघ, श्री राधा कृष्ण मंदिर वृंदावन धाम, कामटी रोड टेका नाका येथील मस्जिद, श्री दुर्गा देवी सार्वजनिक देवस्थान, नेहरू पुतला इतवारी स्थित नवरात्रि दुर्गा उत्सव मंडल, हनुमान खिड़की मंदिर, गंजीपेट का श्री दुर्गा माता मंदिर, श्री रेणुका देवी देवस्थान, त्रिमूर्ति नगर रिंग का श्री हनुमान मंदिर आदि धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा राज्य के ऊर्जा मंत्री व नागपुर जिले के पालक मंत्री नितिन राउत के जन्मदिन पर अनोखा आंदोलन किया गया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री के बिजली बिल नीति का विरोध किया गया। राज्य के ऊर्जा मंत्री
व नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के कार्यालय में लोगों को बड़े पैमाने में बिजली बिल भरना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कोरोना काल में आए हुए बिजली बिल माफ करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं किया गया। साथ ही उनके ही आदेश पर एक माह बिल ना भरने पर बिजली के मीटर भी काटे जा रहे हैं। इसी नीति के विरोध में मनसे द्वारा ऊर्जा मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर अनोखा आंदोलन किया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तर नागपुर परिसर में ऊर्जा मंत्री के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। मनसे का आरोप है कि वे जनता की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी के विरोध में कामटी रोड के महावितरण कार्यालय में अनोखे तरीके से आंदोलन किया गया। इस दौरान विभाग अध्यक्ष उमेश बोरकर, विभाग सचिव महेश माने, विभाग उपाध्यक्ष लाला ससाने, विभाग उपाध्यक्ष मनीष खरे, विभाग उपाध्यक्ष प्रवीण बावने, विभाग उपसंघटक मोहित देसाई, सह सचिव बबलू गायकवाड़, शाखा अध्यक्ष विजय त्रिवेदी, कुंजीलाल सहारे, संजय अले, अभय सोनटक्के, शाखा अध्यक्ष राम हेडाऊ, आमीन खान व महिला सेना की विभाग अध्यक्षा सुनीता कैथेल उपस्थित थे। रामटेक विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष जायसवाल ने श्री राम मंदिर परिसर में सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में सुविधा और सौंदर्यीकरण का कार्य जल्द पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। रामटेक के प्रसिद्ध गढ़ मंदिर परिसर में विधायक आशीष जायसवाल, रामटेक उपविभागीय अधिकारी और रिसीवर वंदना सवरंगपते, नगर अध्यक्ष दिलीप देशमुख, मुख्य अधिकारी हर्षल गायकवाड़, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग के उप अभियंता दमाहे, राज्य पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण दौरा किया। इस दौरान विधायक जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए, क्योंकि वह विभिन्न सुविधाओं और सौंदर्यीकरण कार्यों को अंजाम देना आवश्यक है। कोरोना काल में क्षेत्र को भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि सभी मंदिर बंद थे। रामटेक का राम मंदिर मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण मंदिर है और हर दिन हजारों भक्त आते हैं। श्री राम मंदिर क्षेत्र में बारिश का पानी रिस रहा है और इस संबंध में उपाय किए जाने चाहिए। कोरोना काल में मंदिर बंद होने के कारण पूजा सामग्री व अन्य सामान बेचने वाली दुकानें बंद थी। सभी दुकानें फिर से खोल दी गई है। ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के रख रखाव के लिए राज्य पुरातत्व विभाग के माध्यम से आवश्यक कदम उठाए जाए। इन सभी मुद्दों पर गढ़ मंदिर परिसर का निरीक्षण करने के बाद विस्तृत चर्चा के लिए रामटेक के उपविभागीय अधिकारी के कक्ष में बैठक की गई। पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने लखीमपुर घटना का निषेध करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत की यह एक बड़ी दुर्दैवी घटना है। कृषि प्रधान देश के अन्नदाता किसानों के साथ ऐसी निंदनीय घटना होना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए एक किसान होने के नाते घटना की निंदा की। पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने पत्र परिषद में कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने लॉकडाउन के समय किसानों के लिए और लोगों के लिए कई कार्य किए। उनके कार्य से लोगों को और किसानों को बड़ी राहत मिली थी। महाविकास आघाड़ी ने जो उपक्रम चलाए हैं, उन्हें किसानों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। पहले लॉकडाउन के समय मजदूर वर्ग को काफी पैमाने पर अन्न दिया। इन सारी चीजों से ही हमने लोगों का विश्वास पाया और इसी विश्वास के चलते लोगों ने हमें जीत दिलाने की भी बात सुनील केदार ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि और नैसर्गिक आपत्ति में राज्य के किसान और अन्य लोगों पर नुकसान भरपाई के लिए राज्य सरकार द्वारा एक निश्चित रकम दी जाती है। इस साल भी जल्द ही आपत्ति बड़ी होने से इसका उचित सर्वे कर किसानों को मदद की जाएगी। जलापन पोशिंदा मन तो अन्नदाता मन तो कृषिप्रधान देशातला हा शेतकरी ज्याला ज्या पद्धतीनं त्याला गाडीखाली चिरडलं, एक शेतकऱ्याचा घरचा व्यक्ती म्हणून अत्यंत चीड येणारा हा प्रसंग आहे। आज काँग्रेस पक्षाने, राष्ट्रवादी पक्षाने आणि शिवसेनेने तिघांनी मिळून आम्ही महाराष्ट्र बंदचा आज बंद पुकारलेला आहे। आणि ग्रामीण भागामध्ये साधारणतः 70 शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबातली मुलं घर व्यक्ति ये स्वतः बंद पाहतात आहे आणि मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी या कृतीचा निषेध करून क्रोध व्यक्त करत आहे। भाऊ, एकीकडे महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे महाविकास आघाडीनं, आंदोलन सुरू आहे राज्यभर, दुसरीकडे असा आरोप केला जर राष्ट्रवादीनं
राष्ट्रवादीकडून की हे सगळं डायव्हर्ट करण्यासाठी अनिल देशमुख यांच्याकडे सीबीआयची टीम आली आणि त्यांचा मुलगा आणि त्यांच्या सुनाविरुद्ध अटक वॉरंट घेऊन सीबीआयची टीम आली आहे. कुठेतरी डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सीबीआयची टीम आली याची मला आज तर कल्पना नाही, पण ही गोष्ट तेवढीच खरी की पूर्ण देशामध्ये एकटा महाराष्ट्रच नाही, आपण अशा प्रकारच्या कृती आपण वेस्ट बेंगॉलमध्ये पाहिलेल्या आहे, अशा प्रकारचा विषय आपण त्या ठिकाणी पंजाबमध्ये पाहिलेला आहे, अशा प्रकारचा विषय आपण राजस्थानमध्येही पाहिलेला आहे आणि ही कृती सुरूच आहे आणि ती त्याला दुर्दैवीच म्हणावं. करमणे लोकशाहीमध्ये ह्या कृतीला आपण त्या ठिकाणी सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात त्याचा विरोध केला पाहिजे. लोकशाहीच्या माध्यमातून जी सत्ता मिळते त्या सत्तेचा उपयोग लोकांची मनं जिंकण्यासाठी करायचे असतात, लोकाला धाक दाखवण्यासाठी आणि कॉलर पकडण्यासाठी नाही. ही काही लोकांना अजून जाण व्हायची आहे आणि ती लोकशाहीमध्ये जाण लोक करून देतील असा मला विश्वास आहे. पुलिस से शिकायत की तो पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से वार कर पड़ोसी को ही मार डाला. यह वारदात हुड़केश्वर के नेहरू नगर में हुई. इस मामले में मृतक का नाम बालू मेश्राम और आरोपी का नाम सूरज बागड़े बताया जा रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी बालू मेश्राम पोल्ट्री फार्म चलाता था जबकि सूरज बेरोजगार है. दोनों एक ही परिसर में रहने के कारण दोनों के बीच 8 वर्ष पहले विवाद हो गया था. तब से दोनों के बीच बातचीत बंद थी. शनिवार को जब बालू के घर का काम चल रहा था तो सूरज उसे गाली गलौज करने लगा. इसी बात को देखते हुए जब बालू ने सूरज को पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तब सूरज अधिक आग बबूला हो गया, जहां शाम होते होते विवाद इतना गर्माया कि सूरज ने बालू के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया. तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.